प्रोड्यूसर का फ़ोन जब मुझे आया था तो मैं केदारनाथ में थी अपने दोस्तों के साथ और छुट्टी मना रही थी, और तब उन्होंने मुझे कहा कि कंग्रेचुलेशन, तुम्हारी पिक्चर में बड़े पर्दे पर ला रहा हूँ। और मुझे सच में ऐसे लगा कि मेरी डेब्यू फिर से होने वाली है, क्योंकि इतने सालों बाद बड़े पर्दे पर अपने आप को देखना, ऐसा लगा कि जेन्युइनली एक सपना जैसा हो गया था। मैं बहुत बार पैंडेमिक के दौरान, पैंडेमिक के बाद सोचती भी थी, क्या वो दिन वापस आएगा जब मैं बड़े पर्दे पर अपने आप को देखूंगी। इंट्रोड्यूसिंग सारा अली खान तो याद है, लेकिन स्टारिंग सारा अली खान, फीचरिंग सारा, ये क्या मतलब, वाज आई इमेजिनिंग इट और विल इट एवर रियली हैपन अगेन। और आई रियली बिलीव इन साइंस, आई बिलीव इन पॉजिटिविटी। और इतनी अजीब बात है, मेरी पहली फिल्म केदारनाथ थी, मैं केदारनाथ में थी और दीनू सर का फ़ोन आया मुझे कि ये फिल्म मैं बड़े पर्दे पर ला रहा हूँ। एंड आई एम जस्ट सो थैंकफुल, सो ग्रेटफुल टू हिम फॉर गिविंग मी दिस। ऑनेस्टली आई थिंक इट्स अ डेब्यू अगेन बिकॉज इट्स बिन हाफ अ डेकेड ऑलमोस्ट। आई शुडंट एज माई सेल्फ लाइक दिस। एनी वे, इट्स बिन अ वाइल एंड रियली थैंक यू वेरी वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू द मीडिया, थैंक यू टू द ऑडियंसिस फॉर एक्सेप्टिंग वॉट वी हैव गिवन यू। फिल्म नरेट की थी, दैट वॉज राइट आफ्टर द सेकेंड फेज ऑफ कोविड। वहाँ पे बहुत सारा तनाव था और बॉलीवुड का क्या हो रहा है, कौन सी फिल्में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, किसी को कुछ पता नहीं था। और उस बीच ये कहानी आई थी जो दिल से लगा था कि हाँ यार, ये कहानी हमने जी है और इस देश में जो भी ये कहानी देखेगा वो कनेक्ट ज़रूर करेगा। और उसके बीच में क्या है कि बहुत सारा माइंड प्ले होता है कि अच्छा यार ये हो गया, अब ये फिल्म आ गई, वैसी चल रही और ऐसी नहीं चल रही, ऐसी चल रही और वैसी नहीं चल रही। वो सब के बीच में हम कहीं ना वो भूल गए थे कि जब हमने शुरुआत की थी तो ये सोच के की थी कि यार ये कनेक्ट ज़रूर करेगी। और वो पिछले 5 दिनों में ना हमने वो वापस फील किया कि हाँ यार, ये हम पहली मीटिंग में बोल रहे थे कि यार कनेक्ट ज़रूर करेगी, और वो जब आज कनेक्ट कर रही है वो हमारे लिए ये नंबर से भी ऊपर की बात है। तो आज सिर्फ हम थैंक यू बोलने आए हैं आप सबका, और जेन्युइनली थ्रू आर लवली मीडिया वी रियली गॉट टू इंटरेक्ट विद द होल नेशन। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे पता है कई बार आप लोगों को धूप में खड़ा रहना पड़ा है और कई बार मतलब काफ़ी कई बार लेट नाइट्स और सब कुछ, बट थैंक यू सो मच सच्चे दिल से हमारी तरफ से। और ऐसी आई थिंक यहाँ पे शुरुआत हुई थी पर ये एंड नहीं है, ऐसी हमारी जर्नी कंटिन्यू रहे इस फिल्म के साथ और लोग जुड़ते रहें ज़रा हटके ज़रा बचके के साथ सिनेमा घरों में, यही हमारी आशा है। एंड बट सारा थैंक यू टीम को भी, बट ऑल्सो आई वुड ऑल्सो रियली जेन्युइनली, मैंने फ़ोन पे तो बहुत बोला है डीनू सर को, बट आई वॉन्ट टू से दिस टूडे ऑन दिस स्टेज दैट आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम बिकॉज he had every logical reason to bring this on the OTT platform.